नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जेमवर्ट टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, जेमवर्ट टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और जेमवर्ट टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि जेमवर्ट टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में जेमवर्ट टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। जेमवर्ट टैबलेट का उपयोग चक्कर आने की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जेमवर्ट टैबलेट का उपयोग सफर में जी मिचलाना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आदि समस्याओं को रोकने के लिए या ठीक करने के लिए भी डॉक्टर जेमवर्ट टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जेमवर्ट टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। जेमवर्ट टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर जेमवर्ट टैबलेट को दिन में 1 से लेकर 2 बार लेने की सलाह देते हैं। यदि आप सफर में जी मिचलाना या उल्टी आने की समस्या को रोकने के लिए जेमवर्ट टैबलेट को लेते हैं, तो जेमवर्ट टैबलेट को सफर में जाने से 2 घंटे पहले लेना रेकमेंडेड होता है। जेमवर्ट टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको जेमवर्ट टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना जेमवर्ट टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि जेमवर्ट टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में जेमवर्ट टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में जेमवर्ट टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बदहजमी, सिर दर्द, नींद ज्यादा आना, पेट में दर्द और पेट में बेचैनी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जेमवर्ट टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में जेमवर्ट टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। जेमवर्ट टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और जेमवर्ट टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि जेमवर्ट टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद ज्यादा आ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को जेमवर्ट टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को जेमवर्ट टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं जेमवर्ट टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए जेमवर्ट टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को जेमवर्ट टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को जेमवर्ट टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका जेमवर्ट टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।